मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किसानों की सिंचाई के लिए बदले गए शेड्यूल को वापस लेने, पुराने शेड्यूल अनुसार ही बिजली प्रदान करने की मांग को लेकर आज 200 से अधिक किसानों ने बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर अपना ज्ञापन दिया। विद्युत विभाग द्वारा बदले गए शेड्यूल से किसानों को सिंचाई में लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते मलगांव, मलफा, आमझिरी, चिचवानी, मोरतलाइवा, खेतिया ग्रामीण से जुड़े किसानों ने आज विद्युत मंडल पहुंचकर अपना ज्ञापन दिया। किसानों का कहना है कि नए शेड्यूल से ज़्यादा परेशानी हो रही है, हमारा खेती किसानी का काम हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी मांग है कि पहले का ही शेड्यूल पुनः लागू किया जाए। विद्युत मंडल कार्यालय पर दिए गए ज्ञापन के साथ किसानों ने कहा कि यदि उनकी बात नहीं मानी जाती तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। निर्माणाधीन खेतिया बड़वानी रोड की ऊंचाई अधिक होने से किसानों को गन्ने के ट्रैक्टर निकालने में विद्युत लाइन के तार में दिक्कत हो सकती है, अतः उन्हें भी ऊंचा करने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा सिंचाई हेतु बदले गए शेड्यूल को लेकर किसानों में आक्रोश है। आज लगभग 200 से अधिक किसानों ने यहाँ आकर ज्ञापन दिया है। क्या कह रहे हैं किसान? अभी हम समस्त किसान यहाँ उपस्थित होकर साहब को जो ज्ञापन देने आए थे, साहब यहाँ उपस्थित नहीं है। जो बाबू को हमने ज्ञापन दिया है, विगत दिनों जो शेड्यूल था उसके अनुसार विद्युत अच्छे से सप्लाई हो रहा था, लेकिन अभी जो शासन ने शेड्यूल बदला है उससे किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और समय पर काम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हमने यहाँ ज्ञापन दिया है और पूरा हमारी मांग है कि भाई पुराने शेड्यूल के अनुसार विद्युत सप्लाई किया जाए। साथ जो खेतिया बड़वानी नया रास्ता बना हुआ है उसमें भातकी ग्रेड की जो लाइन है, मेन लाइन, उसको ऊंची की जाए ताकि किसानों के गन्ने में निकलने में कोई दिक्कत। खेतिया से जयेश पटेल की रिपोर्ट।